हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग को पता है कि हम इन दोनों लोगों के, इन दोनों महान योद्धाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आज कल दो दिनों से ये काफी मस्त जबरदस्त में जी रहे हैं। नाम है कि एक दूसरे के बीच लड़ रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, लेकिन बात तो यह कि इस कंट्रोवर्सी के मामले में ये दोनों अपने आप को पॉपुलर और कर रहे हैं। आपको बता दे कि ये भी बहुत अच्छे शिक्षक है, ये भी बहुत अच्छे शिक्षक है। ये संजय जी है और ये आपके प्रिंस जी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज टॉपिक पर बात करने वाले ये हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन हमारे बच्चे के, जो अब ऑनलाइन वाले बच्चों का क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया हमारे 5 दिन से 6 दिन से 8 दिन से या 10 दिन से और आगे कितना दिन चलेगा ये भी आपको पता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दे कि कितने दिन तक कंट्रोवर्सी आपस में ये लोग चलाएंगे, विवाद चलाएंगे, और ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे की सिलेबस रुकी हुई है। और आपको बता दे कि अभी इन महा विषय, इन महाशय का और इनका भी बता दे आपको कि अभी सिलेबस बहुत पीछे है, लेकिन क्रैश कोर्स अनाउंस हो गया। अभी इन लोगों ने कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ, लेकिन सिलेबस इन लोगों का भैया मेरे कंप्लीट हुआ ही नहीं, और भैया मेरे क्रैश कोर्स इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो कहने का मतलब ये सरासर बच्चों को बनाया जा रहा बेवकूफ, ये बच्चों को सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों को, सभी जितने सर बच्चे ऑनलाइन है, वो केवल और केवल उनका माइंड वास करके, उनके माइंड को भैया हमारे दिग्भ्रमित करके, उन लोगों को केवल और केवल अपने चुंगल में फंसाया जा रहा है। अब दरअसल इन लोग बोलेंगे हमने सिलेबस को खत्म कर दिया, हमने कर दिया। आपको बता दें यहां पर कि आपको ये बातें पता होगी, आपको ये बातें पता होगी बुआ कि देखिए ये सही बात है, आप सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिएगा 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में 20 दिन में, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको बता दें, आपको हम इस बात को बता दें बुआ मेरे, कि अब आप ही जैसा सोचिएगा कि एक दिन में अगर आप 6 घंटे लगातार क्लास ले रहे हैं एक सब्जेक्ट का, या फिर कोई आपके प्लेटफॉर्म के टीचर आए, कोई भी प्लेटफॉर्म के टीचर आए, भैया 2 घंटे लगातार क्लास लिए, एक दिन में भैया हमारे 8 घंटे क्लास लगातार लिए और लेकर के अपना सिलेबस अपने स्तर से तो खत्म कर दिए, कि क्या वो बच्चे ऐसे कर पाएंगे खत्म? आपने तो आया एक दिन में 4 घंटे लगातार, 5 घंटे लगातार पढ़ा दिए, क्या बच्चे उस चीज को हैंडल कर पाएंगे? क्या बच्चे उस चीज को हैंडल कर पाएंगे? तो सरासर ये बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, सरासर ये बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। आपको यहां पे बता दें कि चाहे ये हो, देखिए, चाहे वो दिशा वाले हो, चाहे वो टारगेट बोर्ड वाले सर हो, ये पढ़ाते अच्छे हैं, इनके कंटेंट अच्छे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि सरासर ये श्रेय अपने आप के ऊपर ले रहे हैं। ये कह रहे कि हम शेर है, वो कह रहे कि हम शेर है। आप लोगों को यह भी बता दें हम यहां पर कि सही है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं। आपको हम बता दें यहां पर कि दोनों के दोनों लोग अच्छे हैं भाई मोरे, ये हम ही नहीं कह रहे खराब है, लेकिन कहने का मतलब कि आखिर बच्चों को बेवकूफ कब तक बनाइएगा? बाकी भैया हमारे बच्चों को आप बेवकूफ कब तक बनाइएगा? ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्रैश कोर्स ये खोल दिए, इनका सिलेबस हुआ नहीं, क्रैश कोर्स ये कर दिए। अरे भाई मोरे, आप एक दिन में बच्चों को 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ा के अपने स्तर से तो खत्म कर दिए, क्या बच्चे उस चीज को उतना गहन रूप से देख पाए हैं? क्या बच्चे उस चीज को याद कर पाए हैं? क्या बच्चे उस चीज को समझ पाए हैं? बच्चों के ऊपर एकदम प्रेशर दिया जा रहा है, जितने सारे ऑनलाइन है सब लोग बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं। धीरे 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 सिलेबस को लेके चलिए, कोई दिक्कतें नहीं है, एक ना एक दिन आप खत्म कीजिएगा पूरी तरीके से। क्रैश कोर्स देखने की क्या जरूरत है? जब बच्चों को पूरी तरीके से अगर कंटेंट दे दीजिएगा तो कहीं से क्रैश कोर्स क्या होता है? एक छोटा सा बस सीमित क्वेश्चन प्रश्न होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से बच्चे को अगर आप पढ़ा दीजिएगा तो क्रैश कोर्स की तो कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि भैया हमारे सबसे बड़ी चीज ये क्या आज के समय में क्या चल रहा है कि देखिए, ये टीचर को ऑनलाइन में एग्जाम, ऑनलाइन बैच लॉन्च करते समय दिखाया जा रहा है किसी और टीचर को, बीच में उन टीचर के साथ भैया आप मतभेद कर रहे हैं और आप नए टीचर बदल दे रहे हैं। अब एक बात मैं बताइए कि भैया हमारे इन बच्चों से बच्चों ने कुछ, इन टीचर से बच्चों ने कुछ सिलेबस को पढ़ा है और आप बीच में उसको हटा के किसी और टीचर को लेकर आइए, तो क्या ये बच्चों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बच्चों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? तो इस तरीके से ये खेला कब तक चलेगा? ये आप लोग खेला कब तक कीजिएगा? भाई मोरे, आप कुछ भी कीजिए, केवल बच्चों को बुड़बक मत बनाइए। एक एक इतनी मोटी मोटी से भैया मेरे, इन लोगों का पीडीएफ नोट्स बेच रहे हैं, वाह क्या बात है भैया। क्रैश कोर्स के नाम पे इतने सारे, क्रैश कोर्स के नाम पे इतने पैसे लिए जा रहे हैं, आप 200 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लीजिए, लेकिन
थोड़ा सा सावधानी से चलिए, बच्चों को क्यों प्रेशर दे रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, आप क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए। दूसरी चीज, व्यू इनका कितना गया है, इनका कितना गया है, इनका बढ़ा है, क्या हुआ, आप इस तरीके से क्यों, आखिर क्यों बच्चों के बीच में पेशा जा रहा है, क्यों बच्चों के बीच में परेशान किया जा रहा है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बच्चों का क्लास डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों के दोनों लोग अच्छे हैं, महान हैं, आगे भी महान होंगे, लेकिन ये रियल बात यह है कि ये अपने आप को और पॉपुलर करने के चक्कर में है, चाहे ये हो या ये हो। तो कृपया करके इन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों की क्लासेस जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए आप लोग, और क्रैश कोर्स की रही बात तो आप क्रैश कोर्स पढ़ाइए, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों की 5-6 दिन से क्लासेस डिस्टर्ब है कि नहीं है, बच्चे एग्जाम सर पे है, एग्जाम सर पे बच्चों के आए हुए और आप लोग कंट्रोवर्सी करे, वाह, अरे भाई शुरुआत में कर लेते, एग्जाम के टाइम पे करना जरूरी है क्या, बोले व्यू बढ़ा दिए, चलो भाई बढ़ा दिए, अरे कैसा इंसान है भाई, तुम अपना काम करो, व्यू बढ़ा रहे, क्यों लोगों के चक्कर में पड़े हैं आप लोग, एक दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप उस क्लास को चयनित करें जो बेहतर हो, बेहतर के साथ आपका ख्याल रखे, केवल आपको पढ़ाने का मतलब नहीं रखे, वो आपके हर एक चीज का ख्याल रखे, टॉपर कहीं से भी हो, माइक लेके टंदे कहीं पहुंच जाते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। क्या वो बच्चा ऑफलाइन कहीं क्लास नहीं करता है क्या? और अब सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे कि ऑनलाइन से कोई जल्दी टॉपर नहीं बन सकता, ये बात लिखित ले लीजिए हमसे, ये कहते कि हमारा टॉपर है, ये कहते हमारा टॉपर है, ये लिखित लीजिए कि ऑनलाइन से पढ़ के बच्चा टॉपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उम्र ऐसा होता है बच्चों का कि मोबाइल देते समय मोबाइल जो बच्चा लेगा वो 1 घंटे क्लास के बदले 1.5 घंटे क्लास में कंप्लीट करेगा, जिसमें 1 घंटे 2 घंटे तो रील्स देखने में पास कर देगा, और ये रियलिटी बात है, ये वास्तविकता बात है। लेकिन भैया हमारे बच्चा टॉप किया, पता लगाते हैं लोग कि कहां के बच्चा है, माइक लेके पहुंच जाते हैं, ये हमारा बच्चा है, भैया किसी को 10,000 20,000 1 लाख रुपए दीजिएगा तो बोल देगा कि हम इनसे पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों को कब तक चलेगा, कृपया अपने बदौलत कर रहे हैं तो ओरिजिनल रूप से कीजिए, डुप्लीकेट काम क्यों कर रहे हैं, बच्चों के बीच में क्यों घसीट रहे हैं, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो आप लोगों से, इन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यार बना के रहें, जैसे आप लोग बिहार में नंबर 1 है, पूरे देश में नंबर 1 बन रही है, लेकिन बच्चों को विश्वास कंट्रोवर्सी करके नहीं, अपने मेहनत के बदौलत विश्वास को जीतिए, पॉपुलर होइएगा अपने मेहनत के बदौलत होइएगा, कंट्रोवर्सी करके नहीं होइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा आप संभलिए, और ये लोग का क्लास चले या ना चले, आपके पास आपके साथ बुक है, और बुक कभी धोखा नहीं देगा, ये धोखा दे सकते हैं, हम धोखा दे सकते हैं, इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन किताब धोखा नहीं देगा, और किताब बहुत 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 क्या बोले आपके एग्जाम के लिए, किताब के सिवा तो कोई समझे कि आपको टॉप बना ही नहीं सकता, और किताबी के पॉइंट पे पढ़ाते हैं भाई, किताब आप पढ़िए, समझ पाए। चलिए, बाकी कुछ था नहीं, कृपया करके इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करें, और उसके बाद ही कोई, अभी देख लीजिए, अभी भैया हमारे एग्जाम होगा कब, और बैच आज से लंच होना शुरू हो गया, अरे भाई मेरे बच्चवा को पहले फाइनल एग्जाम भी दे लेने दो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके बाद बैच लंच करते रहना। बच्चे अभी आर्ट्स वाले हैं, बच्चे साइंस वाले हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम नहीं दिया, हाफ एनुअल एग्जाम नहीं दिए, लेकिन अभी से ही बैच इन लोगों ने शुरू कर दिया, धंधा बना के रखे हैं, बेच रहे एक एक चीजों को 200-400-500 में, क्लास के लिए अलग रुपया लगेगा, नोट्स के लिए अलग रुपया लगेगा, क्या ये चीजें, क्रैश कोर्स के अलग रुपया लगेगा, क्या ये चीजें। तो केवल और केवल बच्चों का शोषण किया जा रहा है, समझ पाए। तो मेरे भाई बच्चे, थोड़ा सा इन चीजों से आप संभल के रहिए, मेरा यही सलाह है, जहां भी रहे आप स्वस्थ रहें, और अपने एग्जाम को रोके नहीं, किसी भी हर हाल में इन लोगों के चक्कर में ना रहें, किताब के साथ पढ़िए, हमेशा किताब से रहिए, गूगल आपके साथ है, किताब आपके साथ है, और सबसे बड़ी चीज की आपके लोकल जो टीचर है वो सबसे बड़ी योद्धा है, ये नहीं लोकल टीचर जहां पे आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ते हो वो सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि इनके क्लास देखते समय आपके इतना माइंड शार्प नहीं है कि एक बार में आप बात को समझिएगा, डाउट एक दिन में अगर एक टॉपिक आता होगा तो मेरे प्यारे बच्चे 100 दिन की क्लास में 100 डाउट आपके आते होंगे, और वो पता हमको कि आप वो 100 डाउट को आप अपने ऑफलाइन टीचर से ही क्लियर कराते हैं। तो कृपया करके उन टीचरों का ज्यादा रिस्पेक्ट दे जो आपको आपके साथ हमेशा खड़े हैं, और आपको हमेशा लेके चल रहे हैं, और आपके साथ आगे भी खड़े रहने के बात करते हैं।
क्लियर। तो मैं अपने वाले को यहाँ पे विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लासेस में। बाकी हमारे चैनल को तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल पे पढ़िए ना पढ़िए, या फिर हमारे चैनल को देखते रहिए, कंटेंट देखिए, जो भी हो, जो भी चीजें होगा, जहां से होगा ज्ञान लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय अनुसार अपने समय पर सारा काम कीजिए। ओके चलिए, तो आज के बस इतना ही, तब अगले जय हिंद जय भारत।